तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जी की फिल्म वटैन के 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं बात करेंगे जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के भी 16 दिनों के सभी भाषाओं के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी रजनीकांत जी के और अमिताभ बच्चन जी और जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रजनीकांत सर की फिल्म वटैन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देवरा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों बात करें एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म देवरा के बारे में, तो शिवा कोटला के डायरेक्शन में बनी देवरा फिल्म, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर, सैफ अली खान। बताना चाहेंगे दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 सितंबर को और फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है 3रा हफ्ता। अब 3रा हफ्ता आते आते इस फिल्म की जो स्क्रीन्स हैं वो सभी भाषाओं में काफ़ी कम हो चुकी हैं, लेकिन फेस्टिवल सीजन होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन इस वीकेंड भी काफ़ी बढ़िया रहे। हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने 3रे शुक्रवार भी तगड़ी कमाई की। वहीं आज दशहरे की छुट्टी होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से उछाल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म देवरा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था और फिल्म को आज हो चुके हैं 16 दिन। और बात करें देवरा के 16 दिनों के सभी भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म ने शुरुआती 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 384 करोड़ 12 लाख रुपए का किया था। वहीं फिल्म का 15 दिन का कलेक्शन 4 करोड़ 23 लाख रुपए का रहा। अब बात करें आज यानी कि 16वें दिन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फिल्म की जो आज की ऑक्यूपेंसी है कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ दोस्तों आज दशहरे की छुट्टी का फ़ायदा इस फिल्म को भी मिल रहा है और यह फिल्म अपने 16वें दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन सभी भाषाओं से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों देवरा फिल्म का शुरुआती 16 दिनों के अंदर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 393 करोड़ 85 लाख रुपये का हो चुका है। वहीं फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से यानी कि विदेशों से 98 करोड़ 17 लाख रुपये की कमाई की है। यानी कि दोस्तों देवरा फिल्म का 16 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 492 करोड़ 2 लाख रुपए का हो चुका है और आने वाले 2 से 3 दिनों में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगा। जी हाँ दोस्तों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा बहुत ही जल्द 500 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने जा रही है। बता दूं दोस्तों फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का टैग हासिल भी कर चुकी है। लेकिन चलिए दोस्तों फिलहाल अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई इंडियन सिनेमा के 2 बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म यानी कि वटैन के बारे में, जिस फिल्म में हमें सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी और सुपरस्टार श्री रजनीकांत हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों पूरे 30 साल बाद अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की जोड़ी इस फिल्म में देखने को मिली है, जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से धमाकेदार कमाई की। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में वैसे तो राणा दग्गुबाती और फहद फासिल भी और उन दोनों का काम भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब दोस्तों वटैन फिल्म जब परसों के दिन रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को काफी ज्यादा स्क्रीन्स मिली थी और फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कलेक्शन कर लिया था। लेकिन दोस्तों आप सब तो जानते हैं कि यहाँ पर वटैन फिल्म का जैसे ही दूसरा दिन आया वैसे ही बॉलीवुड की और साउथ की ढेर सारी नई नई फिल्में रिलीज हो गई, जिसके चलते वटैन फिल्म की जो स्क्रीन है वो तमिलनाडु के अलावा बाकी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा कम कर दी गई थी और हमें भी लगा था कि भाई अब कम स्क्रीन्स हो गई हैं तो इस फिल्म का कलेक्शन से दूसरे दिन तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर वटैन फिल्म ने सेकेंड डे जितनी हम सबकी उम्मीदें थी उससे भी कहीं ज़्यादा कमाई की और आज 3रे दिन तो दशहरे की छुट्टी होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन सेकेंड डे से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें वटैन फिल्म के सभी भाषाओं के 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों वटैन फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 31 करोड़ 87 लाख रुपये का किया था। वहीं सेकेंड डे फिल्म नेट कलेक्शन 22 करोड़ 54 लाख रुपए का रहा। हम सबको 18 से 19 करोड़ रुपए लगे थे लेकिन फिल्म ने दूसरे दिन 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। अब बात करें आज यानी कि 3रे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो मॉर्निंग वाले शोज में कल से ज़्यादा बेहतर है। वहीं फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग है वो पहले दिन से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। वटैन फिल्म पर यहाँ पर पहले और 3रे दिन में स्क्रीन्स का काफ़ी ज़्यादा फर्क है, जिसके चलते ही ये फिल्म अपने 3रे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 28 करोड़ 50 लाख रुपये का कर रही है। और इसी के साथ वटैन फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 82 करोड़ 91 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 98 करोड़ 66 लाख रुपए का हो गया है। बता दें दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 58 करोड़ 39 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों वटैन फिल्म का 3 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 157 करोड़ 5 लाख रुपये का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जी की वटैन फिल्म 3 दिनों में दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है।
अब आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए और ऐसा लग रहा है कि कल संडे है, तो कल भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करेगी और फिल्म का चार दिनों का कलेक्शन ही 200 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 300 से 400 करोड़ पर रुकेगा या फिर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के क्लब में एंट्री लेती है।